आएगा जैसे दिख रहा है क्लास 10 का, जिसमें सेक्शन ए होगा जिसमें पैसेज दिया होगा उसके क्वेश्चन आंसर करने होंगे। सेक्शन बी में लेटर, दो लेटरों में से कोई एक लेटर करना होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन थ्री में एक पैरा लिखना होगा, कोई भी एक पैरा लिखना होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं जिसको, या हाँ। फिर उसके बाद जो है सेक्शन सी आ जाएगा। सेक्शन सी में पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन होगा जिसको हम अलग वीडियो में बता देंगे, और पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन सेक्शन सी। फिर उसके बाद उसमें ट्रांसलेशन भी होंगे। फिर सेक्शन डी में तो सेक्शन डी में भी एक पैरा आएगा, पैसेज टाइप का आएगा, उसमें से जो है आपको पैसेज में से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने होंगे, एक या दो होंगे। फिर उसके बाद आपका उसी में सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि 60 वर्ड में आपको करना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसमें कोई दो शॉर्ट करने होंगे, तीन होंगे, तीन में से दो करने होंगे। फिर उसके बाद 9, 10 और 11 बहुत स्कोरिंग है, आराम से आप नंबर कमा सकते हैं इसमें। इसमें देखिए मैचिंग आएगी, मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, तो उसमें आपको ये जो हॉफली है जैसे इसके मीनिंग प्राउडली होता है, तो आप इस तरह से मत लिखिएगा कि हॉफली और मैच कर रहे हैं सामने, आप सामने सामने लिखिए। तो ये जो मैचिंग वाला सिस्टम होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो हॉफली के का प्राउडली है, तो जैसे आप इस तरह से कॉपी में जब करिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के हॉफली के सामने प्राउडली लिख दिया, मर्चेंडाइज के सामने थिंग्स फॉर सेल, और ये एरो ज़रूर बनाइएगा, अगर एरो नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो सामने सामने एरो बनाइएगा, जिसका जो आंसर है उसके सामने लिखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 आएगा जिसमें से पोएट्री दी होगी, जो पोएट्री दी होगी वो आप आगे क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन होता है जिसमें 4 लाइन पोएम लिखनी होती है वही वाली लाइन नहीं लिख सकते, तो इसीलिए दो पोएम याद करिएगा, दो पोएम की कोई 4 लाइन, ठीक है। जो पोएट्री होगी इसमें से दो आंसर करने होंगे, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, जैसे यहाँ पे इसका आंसर होगा इट स्टैंड फॉर अर्थ, अर्थ के लिए यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट इक्वेट आइस, आइस को किससे करता है पोएट, तो आइस का अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आइस मीन्स यहाँ पे पोएट में हेट्रेड यानी नफरत या इंटॉलरेंस इसका आंसर होगा, ठीक है। इतना सा हो गया, INTOLERANCE इंटॉलरेंस या हेट्रेड, HATRED, तो इसका बस इसका आंसर बी का हेट्रेड लिख दिएगा। इसका इट स्टैंड फॉर अर्थ लिख दिएगा, ERTH, अर्थ मीन्स दुनिया। उसके बाद जो आएगा, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 में या तो सेंट्रल आइडिया करना होगा या पोम करनी होगी, तो आप लोग पोम करिएगा। देखिए और लिखा ना, तो दोनों में से एक चीज़ करनी होती है तो पोम करिएगा। अच्छा, बहुत से लोग पोएम बोलते हैं, पोएम नहीं होता, पोम होता है, तो पोम करिएगा 4 लाइन, इसमें पूरा नंबर मिल जाएंगे आपको, उसमें नंबर कट जाएंगे सेंट्रल आइडिया। पोम जब करेंगी तो उसका राइटर नेम भी लिखा, जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा, डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो इसमें दी हुई लाइन वो नहीं कॉपी कर सकते, तो इसलिए दो पोम याद करिएगा। कहीं वाली आ गई वही जो आपने याद की तो वाली नहीं लिख सकते, तो दूसरी करना होगी, तो इसलिए दो पोम याद करिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में 25 वर्ड में लिखने, 2-3 लाइनों में आंसर खत्म कर दिएगा आप, तो ये ए और बी सी में से कोई दो करने होंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग आता है, इसमें से एक ही दिया होता है वो भी करना होता है। फिर उसके बाद ये आएंगे, इसी को आगे सही या गलत है ट्रू फॉल्स वो करना होगा, ये सी पार्ट में सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एक पार्ट, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग वीडियो में बता देंगे समझा के।